हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग मैं शेयर करूँगी तीज का। और ये देखिए, मैं तीज पर तो सबसे पहले मेहंदी लगाया जाता है, तो मैं ये मेहंदी लगाई थी, तो बस मैंने खुद से ही लगाया है। वैसे मैं खुद से थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, तो सिंपल ही मैंने लगाया है मेहंदी, तो देख सकते हो मैंने अभी लगाया है जस्ट अभी। तो मैं सोची थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा बस किया है लगाते हुए, मैंने प्रॉपर में नहीं शूट किया है मेहंदी का डिज़ाइन, तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही मैंने बनाया है, तो मैंने सोचा थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ तो मैंने फिंगर में भी ऊपर लगा लिया है, तो ये मेरा हो जाता है फाइनल। मेहंदी लगा लिया है, अब मैं जो है तैयारी करूँगी यहाँ पर मंदिर सजाने का, जो कि मंदिर का प्रिपरेशन करना होता है इसमें तीज में। तो हम मंदिर देखिए मैं पहले ही बना चुकी थी, मैंने सोचा था आप शुरू से शेयर करूँ बट मैं नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं थोड़ा ही बनाई हूँ, तो कुछ कुछ बचा भी हुआ है इसमें भी करने को। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटिंग मेरे पास था, तो मैं सोची थोड़ा लाइटिंग भी कर देती हूँ मंदिर में। तो इस तरीके से मैंने केला का पत्ता का सजाया है मंदिर, और इसमें रेड जो है कपड़ा लेकर इसमें जो है अच्छी तरीके से सजा दिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइटिंग कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है लाइटिंग सब कर देने पर, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा लाइटिंग कर रही थी, मेरे पास था। तो और ये जो है तीज का फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है, आप लोग को अगर किसी को नहीं पता हो तो इसमें मंदिर इस तरीके से केले के पत्ते लेकर सजाया जाता है, फोर कॉर्नर इसमें दिया जाता है, चारों कॉर्नर पर जो है केला का पत्ता लेकर इस तरीके से सजा सकते हो आप अपने घर में भी, या फिर ये मंदिर में भी किया जाता है पूजा इसका। और अभी तो घर पर ही हम लोग करते हैं पूजा, तो इस तरीके से मैं यहाँ सजा लूँगी, आप देख सकते हो। तो ये मंदिर मैं इसी तरह सजा लूँगी, और आप इसमें जो है बहुत तरह की तैयारियाँ करनी पड़ती है, जैसे आपको अगर पूरी पकवान सब पकाना है, तो कुछ मिष्ठान बनाना है, तो वही तैयारियाँ करनी होती है, और कुछ इसमें फल सब चढ़ते हैं, जितने तरीके का फल चढ़ा सकते हो इसमें बहुत तरीके के फल चढ़ा सकते हो। और फिर शिव एंड पार्वती जी का पूजा किया जाता है, और मैं यहाँ ये पूजा जो है मैं 7 बजे के बाद ही करूँगी नाइट में, तो देख सकते हो आप इस तरीके से मेरा मंदिर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने सजा दिया है, अब मैं इसमें स्विच ऑन कर रही हूँ, यहाँ पर स्विच ऑन हो गया है, आप देख सकते हो ये लाइट जो है सामने वाला जो लाइट है जो स्मॉल में है, ये मैंने अमेजोन से लिया था, और ये काफ़ी अच्छा लाइटिंग है, नाइट में बहुत अच्छा लगता है। और जो बैक में मेरा लाइट है वो मैं ऐसे ही, वो भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, याद नहीं बहुत पहले ही मैंने लिया था। और देखिए कुछ स्टेप से मेरा टेम्पल रेडी हो गया है, और इसी में पूजा करने वाली हूँ नाइट में, तो 7 बजे से के बाद ही मैं पूजा करूंगी, 7 o'clock के बाद मैं पूजा करने वाली हूं। तो मैं टेंपल रेडी कर चुकी हूं, और मैं आपसे एक ही बार डायरेक्ट मिलूंगी नाइट में ही 7 बजे ही, क्योंकि जो है अभी मैं बिल्कुल तैयारी करने में बिजी थी, थोड़ा बहुत मैंने बस शूट कर लिया है बस। और देख सकते हो मैंने स्टेप से बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टडी टेबल था, तो उसी पर मैंने क्लॉथ रेड वाला क्लॉथ डालकर मैंने चारों को कॉर्नर, आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पर पत्ता इस तरह से केले का पत्ता लेके इस तरीके से सजाया है हमने, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरीके से दिखा दिया किस तरीके से आप मंदिर बना सकते हो घर पर ही आसानी से। तो चलिए अब मैं आपसे नाइट में मिलती हूँ पूजा के टाइम, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारा प्रिपरेशन मैं कर ली हूँ पूजा का तैयारी, इसी में मैं बिजी थी इसलिए मैं पूरी तरीके से वीडियो भी अच्छी तरीके से नहीं शूट कर पाई, बस थोड़ा बहुत था, तो मेरा बेटा जो है ना उसी ने ये सब किया है शूट, तो उसने ही लगा दिया है, नाइट में था तो अच्छी तरीके से क्लियरिटी भी नहीं होगा शायद फ़ोटो में वीडियो में, तो इस टाइप से ही है। मैंने अच्छी तरीके से मैंने पूजा का तैयारी किया था बस, और वीडियो पर मैं सच में ध्यान नहीं दे पाई थी शूट करते टाइम, और यहाँ पर तो बस इसी टाइप से मैंने पूजा कर ली। इसमें होता है आरती करना होता है, कथा पढ़ना होता है, जो शिव पार्वती जी का है उन्हीं का कथा पढ़ना होता है, उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से शिव पार्वती गणेश जी का पूजा करते हैं हम लोग, चाहे आप मूर्ति से पूजा करें या तस्वीर से पूजा किया जाता है, आप जिस तरीके से करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। और इसमें हवन भी करना होता है, मैंने यहाँ हवन का सामग्री यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ हवन भी करना होता है,
और बहुत अच्छा लगता है, आपके घर बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छा खुशबू जो आता है बहुत अच्छा लगता है हवन का। तो इसी तरीके से हमने कर लिया है। तो यही था, मैंने अच्छी तरीके से पूरी तरीके से शूट भी नहीं था, थोड़ा बहुत था मेरे पास क्लिप जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये था मेरा तीज का पूजन, और ये मेरा तीज पूजा करने के बाद पूरा इसमें फास्ट में थे हम लोग सुबह से। उसके बाद जो है यहाँ पर नाइट में पूजा करने के बाद हम लोग जो है पानी बस पीते हैं, और सभी कोई कोई पानी नहीं भी पीते हैं, निर्जल पूरा रखते हैं, लेकिन मैं जो है पूजा करने के बाद थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो मेक श्योर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।